नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आर ब्लॉक फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण, अब जाम से मिलेगी बड़ी राहत। विधायक अरुण कुमार सिन्हा द्वारा कुम्हरार विधानसभा में घर घर जाकर सैनिटाइज किया गया। निखिल आनंद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पर किया बड़ा हमला, कहा शक्ति सिंह बिहार विरोधी और न्याय विरोधी आदमी हैं। पटना कदम कुआं पुलिसकर्मी पर मिर्ची स्प्रे से अपराधियों ने किया हमला। और अब खबरें विस्तार से। चीर प्रतीक्षित आर ब्लॉक फ्लाईओवर की लोकार्पण के साथ अब जनता के बीच खुशी का माहौल है। आज रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की उपस्थिति में आर ब्लॉक फ्लाईओवर का विधिवत शुभ उद्घाटन किया। आकर्षक तथा बेहतरीन तरीके से बनाए गए इस फ्लाईओवर के पास पर्याप्त हरियाली की व्यवस्था की गई है, जिससे इसका आकर्षण बढ़ गया है। इस अवसर पर सीएम ने पौधे भी लगाए। अब विधानसभा पटना क्लब के बीच आवागमन सुगम हो गया है। भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा द्वारा कुम्हरार विधानसभा में घर घर जाकर सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए बताया भी जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि काढ़ा गर्म पानी पीने से कोरोना जैसी बीमारी से बचा भी जा सकता है। साथ ही साथ उनके साथ वार्ड नंबर 43 के पार्षद परमिला वर्मा। विधायक अरुण सिन्हा कहते हैं कि हमें कोरोना से डर नहीं लगता, हमें कोरोना को हराना है। लगातार कुम्हरार विधानसभा में प्रत्येक वार्डों में के प्रत्येक गली मोहल्ले टोले और घरों में और ये कीटनाशक दवा जो कोरोना का कीटनाशक दवा का छिड़काव मैं करवा रहा हूँ और इसके द्वारा जनता से आह्वान कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं स्वयं छिड़क रहा हूँ। अब कहीं कोई लाज शर्म की ज़रूरत नहीं, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और मैं अगर छिड़क रहा हूँ तो जनता स्वयं खड़ी होकर कोरोना योद्धा की तरह मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि शक्ति सिंह बिहार विरोधी और न्याय विरोधी आदमी हैं। उन्होंने सुशांत सिंह मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का समर्थन किया और बिहार सरकार और बिहार पुलिस का विरोध किया है। ऐसे में बिहार कांग्रेस के नेताओं को शक्ति सिंह गोहिल का बहिष्कार करना चाहिए। शक्ति सिंह गोहिल बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का सुशांत सिंह मामले में समर्थन किया, बिहार सरकार और बिहार पुलिस का विरोध किया और वही महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का विरोध कर रही है, ऐसे में शक्ति सिंह गोहिल का बिहार कांग्रेस के नेताओं को बहिष्कार करना चाहिए। और शक्ति सिंह गोहिल एक बिहार विरोधी आदमी हैं और न्याय के विरोधी आदमी हैं और कांग्रेस के लोगों को बिहार में सफाई देनी चाहिए। और ये चुनाव का तो ढिंढोरा पीट रहे हैं, अल्टीमेटली इनको आरजेडी का पिछलग्गू बन के ही राजनीति करनी है। राजद के नेता एवं पूर्व सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बाढ़ एवं कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है, शिलान्यास कर रही है, जबकि पूरा राज्य बाढ़ एवं कोरोना महामारी से ग्रसित है। सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। पर कम्युनिटी किचन चला रही है, कम्युनिटी स्प्रेड भी हो रहा है कोरोना का, इसके प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है। छिड़काव कहीं नहीं किए गए, बहुत कम जगह छिड़काव हुआ
और छिड़काव के नाम पर मतलब जो प्रिवेंशन प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए था, अब सरकार ने प्रशासन ने घोषणा कर दी कि नौवें वित्त आयोग के पैसे को खर्च करें, और नौवें वित्त आयोग का पैसा पहले या तो खर्च हो चुका है या फिर गया ही नहीं, तो फिर एक आदेश जारी कर देना मात्र। क्वारंटीन सेंटर के हालत बहुत खराब थे, बद से बदतर थे, जो चले कुछ दिन तक उनका भी पेमेंट अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। तो पता नहीं किस व्यवस्था के बारे में सरकार बता रही है। तो मैंने ये जनता आजकल पब्लिक ऑडिट जो है जनता ने शुरू कर दिया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक पुल का अनावरण किया। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने हमला बोला है और कहा कि शिलान्यास करने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं उनमें गुणवत्ता भी होनी चाहिए। साथ ही बोला कि मुख्यमंत्री को जितना भी शिलापट पर नाम लिखवाना है लिखवा ले, जैसे ही चुनाव का आचार संहिता लागू होगा वैसे ही मुख्यमंत्री के विदाई का समय नजदीक आने लगेगा, क्योंकि 15 साल के शासनकाल के दौरान मुख्यमंत्री को बिहार की जनता अच्छे से पहचान चुकी है और अब मुख्यमंत्री का जाना तय हो गया है। चुनाव नजदीक आता देख करके, चुनावी मौसम है इस समय, आनन फानन में नीतीश कुमार जी लगातार उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। 15 वर्षों तक तो कुछ किया नहीं, जिस तरह से शिलान्यास और उद्घाटन किए जा रहे हैं, 70 घाट पुल का क्या हाल हुआ, वही हाल बाकी पुल का न हो जाए। ये सारा उद्घाटन और सारा शिलान्यास चुनाव को सामने देख करके सरकार कर रही है। सरकार को बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई नहीं लुटाना चाहिए, अब तो सरकार बदलने जा रही है। सरकार अब 2-3 महीने के बाद जब भी चुनाव होंगे ये सरकार का जाना तय है, इसलिए अब सारा उद्घाटन और शिलान्यास तेजस्वी यादव जी के हाथों से ही होना है। राजदीप सरदेसाई द्वारा यह कहे जाने पर कि सुशांत सिंह राजपूत इतने भी बड़े अभिनेता नहीं थे कि इतना बड़ा बवाल हो रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता सीने कामगार संघ के द्वारा डाक बंगला चौराहे पर पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता सीने कामगार संघ के अध्यक्ष फूल सिंह ने कहा कि राजदीप सरदेसाई जो स्टेटमेंट दिया है, सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े स्टार नहीं हैं जो बिहार के DGP है तौबा कर रहे हैं, कहीं न कहीं इन लोगों से मिला हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई सरकार अनुशंसा करती है CBI जांच के लिए तो दूसरी कोई सरकार उसका विरोध करे। आखिर महाराष्ट्र सरकार क्यों विरोध कर रही है, कौन लोग है, किसे बचाना चाहती है।
दीप सरदेसाई ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया कि सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा स्टार नहीं था कि बिहार के डीजीपी हाई तौबा कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि मुझे लगता है कि राजीव सरदेसाई भी कहीं इन लोगों से मिला हुआ ना हो। आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई सरकार अगर अनुशंसा करती है सीबीआई की जांच के लिए तो दूसरा कोई सरकार उसका विरोध करे। आखिर महाराष्ट्र सरकार क्यों विरोध कर रही है? कौन लोग हैं उसमें जिसको महाराष्ट्र सरकार छुपा रही है, बचा रही है? मुझे तो लगता है सरकार की कहीं ना कहीं साजिश है। वही सुशांत सिंह मामले में निखिल आनंद ने कहा है कि बिहार सरकार न्याय के साथ नैतिक कर्तव्य निभा रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार न्याय के खिलाफ खुलकर आरोपियों के पक्ष में खड़ी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार सबूतों को मिटाने और तत्वों के साथ छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सुशांत सिंह मामले पर गंदी राजनीति कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस बिल्कुल राजनीति कर रही है और वहां की सरकार का रवैया बिल्कुल न्याय के विरुद्ध और आरोपियों के पक्ष में नजर आता है। और जिस तरह की बातें आ रही है कि वहां सबूतों से छेड़छाड़ और तथ्यों को मिटाया जा रहा है, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है और सीबीआई जांच का भी वे लोग विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में बिहार सरकार नैतिक तौर पर सिर्फ न्याय के पक्ष में खड़ी है और महाराष्ट्र सरकार अन्याय करने जा रही है। अब इसमें आरोपों के घेरे में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के सभी नेता आते हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, इस अवसर पर राजद कार्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में राजद कार्यालय परिसर में पौधे लगाए गए जिसमें कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की उपस्थिति देखने को मिली। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा, हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ, रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये पशुओं का है संतुलित आहार, परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया सोना गोल्ड ही लाना, बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ खूब कमाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बसैठ में आम जनता की एक बैठक विनोद शंकर झा, जदयू मधुबनी जिला सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बसैठ को बेनीपट्टी से अलग कर प्रखंड बनाने हेतु सरकार को एक समार पत्र देने पर विचार किया गया। इस नए प्रखंड में पाली, बसैठ, मेघवन, बर्री, बिशनपुर, त्रिमुहान, करहरा, शाहपुर इन 9 पंचायतों को शामिल करने की मांग उठाई गई। इसके समर्थन में मुखियाओं द्वारा समर्थन पत्र भी प्राप्त किया गया। बैठक में विनोद शंकर झा, फिरन चौधरी, अरुण साह, सुधीर झा, भास्कर चौधरी समेत कई लोगों ने मामले पर विचार करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। बसैठ प्रखंड निर्माण समिति के बैनर तले आज, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को हम बैठक करते हैं यहाँ पर बसैठ में, और इसी तरह से आज जो है सो पाँच दस व्यक्तियों के बीच में बैठक की गई, क्योंकि लॉकडाउन को देखते हुए
पांच से सात व्यक्तियों के बीच में बैठक की गई। बैठक का उद्देश्य है कि यहाँ के जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं पंचायत के, उन सबों का समर्थन लेकर, समर्थन पत्र लेकर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत समिति पर हैं, मुखिया प्रतिनिधि पर हैं, पैक्स अध्यक्ष पर हैं, इन सभी प्रतिनिधियों को, चाहे विधायक हैं या जिला परिषद, सबका समर्थन पत्र लेकर के प्रस्ताव बनाने के लिए हम जिला प्रशासन को और जिला प्रशासन के अलावे माननीय मुख्यमंत्री को, ग्रामीण विकास विभाग मंत्री को, इस सब को हम प्रतिलिपि देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी को भी प्रतिलिपि देंगे कि जल्द से जल्द प्रस्ताव बना करके सरकार को इसको भेजा जाए, ताकि बेनीपट्टी प्रखंड, जो अभी 33 पंचायतों का एक बड़ा प्रखंड है, और पश्चिम बेनीपट्टी पश्चिम का जो 9 पंचायत मिला करके जो हम मांग कर रहे हैं, उसे जल्द से जल्द उसे स्वीकृत दिया जाए। इस बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राजा बाजार स्थित नामी प्राइवेट हॉस्पिटल पारस अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि जिस रिपोर्ट को बिहार सरकार ने कोविड में निगेटिव करार दिया, उसे पारस हॉस्पिटल द्वारा पॉजिटिव बताया जा रहा है। वहीं डायलिसिस कराए जाने पर परिजनों ने बताया कि अब तक 18 घंटे बीत गए हैं, बावजूद इसके मरीज को किसी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि फोन से पूछे जाने पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के सोने की बात कही। आपको डायलिसिस करने के लिए डॉक्टर ने बोला था, हमने हमारे पेशेंट का कोविड जो है नेगेटिव आया हुआ है, बिहार सरकार का मेरे पास जो है सो रिपोर्ट आया हुआ है, फिर भी लोगों ने कोविड डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, और पॉजिटिव होगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लिख के देना कि पॉजिटिव। पैसा, ये चोर हॉस्पिटल है, पैसा पहले चाहिए। ये पारस हॉस्पिटल है, ये पटना का पारस हॉस्पिटल है, जिसमें ये देखिए ये ऐसा हो रहा है। ये इनका इनका क्लेम ये है कि इन्होंने अपने पेशेंट को डायलिसिस के लिए भेजा था, आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, अभी तक वेंटिलेटर में डाल के छोड़ दिया आईसीयू में, 18 घंटे हो गए आईसीयू में और उनका डायलिसिस नहीं किया गया। जब इन्होंने चिल्लाया तब जाकर के डायलिसिस की वहाँ मशीन आई है। ये पारस, ये इनके पेशेंट हैं, इनके हस्बैंड हैं। रात इनकी डेथ हो गई और अब तक ये नहीं 12 घंटे से ज़्यादा हो गए और अब तक इनको नहीं दिया। और इनका मैनेजमेंट इनका मैनेजमेंट 2 लाख का बिल बना है, क्या हुआ पेशेंट का? अभी दिखा दीजिए, देखिए इस पेशेंट को, जिनके हस्बैंड अभी आज डेथ कर गए हैं और अब तक इनकी बॉडी नहीं मिली है। और ये कहा जा रहा है कि 9 बजे आएंगे तब हम जो सर्टिफिकेट वगैरह देंगे, और 9 बजे के बाद 11 बजे कल से ये लोग सब परेशान हैं, एक्सपायर कर गए हैं। जब एमडी से बात किए कि आपको आपने क्या किया, बोला डायलिसिस हो गया है, हमने हो गया है। ऊपर जाके आईसीयू में पता किए, बोला डायलिसिस नहीं हुआ है, ये लोग झूठ बोल के पैसा ले रहे। जब डॉक्टर ने बोला डायलिसिस के लिए, आपने बोला कैसे? डायलिसिस हो भी नहीं किया, बोल दिया कि डायलिसिस कर रहा है, हो रहा है, आप जाइए। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के समीप पाली पंचायत के अंतर्गत आने वाले खसिया घाट इलाके की जनता को बाढ़ के समय राम भरोसे जीवन बिताने को बाध्य होना पड़ता है। यह कोई एक साल की बात नहीं है, हर साल बाढ़ की तबाही ही विनाश की देता है गवाही, लेकिन अब तक अनसुनी रही फरियाद। इस बीच युगांतर ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों ने बाढ़ के दौरान आने जाने की समस्या से प्रभावित होकर क्षेत्रीय ग्रामीणों की सुविधा के लिए विनोद शंकर झा ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से खसिया घाट की जनता को 25,000 रुपये का चेक प्रदान किया। उपस्थित जनता ने श्री झा के प्रति आभार प्रकट किया। सुधीर झा, गौरी शंकर झा, मुरारी झा, पल्लव मिश्रा, नवीन ठाकुर, उज्ज्वल ठाकुर, रंजीत पासवान, अशोक पासवान, ऋषि मिश्रा ने उपस्थित होकर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आभार जताया। कदमकुआ थाना अंतर्गत थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व के लोग घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं ड्यूटी पर तैनात ASI संतोष कुमार को थाना अध्यक्ष ने भेजा। संतोष कुमार बाइक सवार युवकों को पीछा कर रहे थे, वहीं पीछा करते हुए सकरी गली में पहुंच गए।
इसी दरमियान किसी तरीके से संतोष कुमार एएसआई ने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से युवक को पकड़ने की कोशिश किया। युवक कमर में रखे एक स्प्रे को संतोष कुमार के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। उसे संतोष कुमार का मोटरसाइकिल बैलेंस बिगड़ा। पीछे से थाना अध्यक्ष महोदय पीछा करते हुए किसी तरीके से संतोष कुमार को बचाया। वहीं संतोष कुमार के चेहरे पे जो स्प्रे किया गया उससे काफी जलन हो रही थी और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि वहीं इस मामले में पुलिस कुछ लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। किसी का स्प्रे किया है दरोगा पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, वो संदिग्ध अवस्था में वो लोग थे, वो पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तो इसी बीच वो स्प्रे मार के। और कहाँ की यह घटना है सर? ये नाला रोड की घटना। क्या पुलिस अपराधियों को पकड़ने पहुंची थी क्या? जी, उनको संदिग्ध लगा, वो उसको चेकआउट करने के जा रहे थे, इसी बीच में वो अपने डिफेंस में स्प्रे मार के भाग। कुछ लोगों को हिरासत में लिए सर? पूछताछ की जा रही है, जो भी पता चल रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कितने के संख्या में थे अपराधी? दो थे। थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SDF न्यूज। नमस्कार।